वार्षीय नाबालिग छात्रा साथ दिन दहाड़े घर में घुसकर दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन कर आरोपी को गिरफ्तार करने में जुट गई है। मामला जलालपुर थाना क्षेत्र के नागपुर की है। बताया जा रहा है कि पीड़ित बालिका के घर पर कोई नहीं था, तभी बगल में का रहने वाला 50 वर्षीय अंधेड़ घर में घुसकर जबरन दुराचार किया। लड़की की चीख पुकार मचाने पर आरोपी फरार हो गया। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित लड़की को थाने ले आई, जहां से मेडिकल परीक्षण हेतु भेज दिया है। मौके का फायदा पाकर आरोपी फरार हो गया है। थाना अध्यक्ष प्रदुम सिंह ने बताया कि मामले में लिखा पढ़ी कर उचित कार्रवाई की जा रही है। कल नागपुर में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, 9 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म की सूचना थी। उसकी माँ द्वारा रिपोर्ट दिखाई गई थी, घटना का निरीक्षण किया गया था। अभी चूँकि वहाँ से घटना के बाद फरार हो गया था, निर्देशन में कार्रवाई चेकिंग अभियान चला था। एसपी महोदय और वरिष्ठ अपना एसपी सिटी महोदय के निर्देशन में इंस्पेक्टर के हमारा जो पुलिस में लगा था चेकिंग के दौरान उसे गिरफ्तार किया, आगे भी कार्रवाई की। यूपीएस न्यूज 24 की लाइव खबरों के लिए बने रहे यूपीएस न्यूज 24 लाइव के साथ, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपके अपने यूपीएस न्यूज 24 लाइव को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।